हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद मीनाक्षी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गोपाल जी के लिए पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको पेस्टिंग अस्तर का कपड़ा, नेट का कपड़ा और इस टाइप की लेस, मेटल बूटी, इन सब की ज़रूरत होगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है और बहुत ईजी वे में आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे बना सकते हैं, कितना मेजरमेंट आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 10 इंच डायमीटर का ये बेस बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि ये पोशाक मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसका डायमीटर मैंने 10 इंच लिया है। और अगर आपके कान्हा जी का साइज़ ज़्यादा या कम है तो आप इस मेज़रमेंट चार्ट में अपने कान्हा जी के साइज़ नंबर के अकॉर्डिंग डायमीटर देख लें और बेस बनाकर तैयार कर लें। इसमें मैंने बॉडी की लंबाई और चौड़ाई भी लिख दी है और कमर के लिए कितना निशान लगाना है वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बेस बनाने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप करते जाएँ, तो आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए पोशाक बहुत ईजिली बनाकर तैयार कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपसे बेस बनाना नहीं आता है तो बेस बनाने की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को चेक कर लें और बेस बनाना सीख लें। तो अब हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर अपने कान्हा जी के साइज़ नंबर के अकॉर्डिंग कमर का निशान लगाएंगे। हमें क्या करना है, इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक बार इस तरीके से कर लेना है। और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए 0.6 इंच का निशान लगाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को गोलाई करते हुए आपस में मिला लेंगे और इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कमर की कटिंग करने के बाद अब हम एक साइड से इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये कटिंग करने की वजह से ये देखिए अस्तर खुल गया है। तो हम इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में हम नेट के कपड़े में से 2.5 इंच चौड़ी और 90 इंच लंबी एक पट्टी तैयार करेंगे और उसको प्लेट डालकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने नेट की पट्टी को फ्रिल बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसको अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो कहाँ पर अटैच करना है पहले हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर पूरे बेस में निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इस निशान के ऊपर फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाते हुए पूरे निशान पर हम इसको लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रिल यहाँ पर लगाने के बाद अब हम इसको आगे की साइड से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के लिए मैंने ये सिल्वर कलर का टिश्यू रिबन लिया है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, आधा नीचे आधा ऊपर, और ऊपर वाले पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए दोनों पोर्शंस लॉक कर लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। Thank you.
अब इसको लॉक करने के बाद यहाँ पर नेफा लगा कर तैयार कर लेंगे। तो नेफा लगाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी और जितना हमारा ये पोर्शन है उसमें 1 इंच प्लस करके एक पट्टी नेट के कपड़े में से कट कर ली है। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखा है मैंने। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से उल्टा करना है। और लगभग आधा इंच बाहर की साइड निकालते हुए इस तरीके से इसको यहाँ पर रखेंगे और इस पूरे पोर्शन में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। और ये देखिए, मेरी पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है तो मैं इसको कटिंग करके इक्वल कर लूँगी। अब इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो ये पोर्शन हमने बाहर की साइड निकाला था इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद इस पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर डोरी रख लेंगे। और इस पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते हुए नेफा लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर नेफा लगाने के बाद अब हम इसका ये वाला पोर्शन डेकोरेट करेंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने इस टाइप की ये लेस ली है। ये देखिए, हमें क्या करना है, इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको कट कर लेना है। ये नीचे वाला पोर्शन हमें सीमें छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसमें से छोटी छोटी बूटियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसमें से ये कट कर लेंगे। इस तरीके से। और ये सभी कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से यहाँ पर बराबर बराबर रखते हुए पेस्ट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाने के बाद अब हम एक राउंड और इसी तरीके से लगाएंगे। हमें क्या करना है, ये देखिए, इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरीके से। इन दो पत्तियों के बीच में हमें इसको लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ पर ये लगाने के बाद मैंने ये ब्लू कलर की मेटल बूटी ली है। ये देखिए, इनको हम यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से रखते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे।
तो इस तरीके से ये घेर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। मैंने 2 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी एक नेट के कपड़े में से पट्टी कट कर ली। हमें क्या करना है, इसको एक बार इस तरीके से और एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, पूरा मिलाना नहीं है, बस इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर बीचों बीच सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद इस लेस का जो ये नीचे का पोर्शन है, ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी, तो ये थोड़ी डिज़ाइनर चोली हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये पट्टी तैयार करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। अब इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर थोड़ी दूरी पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर टिश्यू रिबन लगाकर इसको लॉक कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको पोशाक में अटैच भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाकर यहीं पर अटैच करेंगे। लेकिन मैं अटैच नहीं करूँगी, मैं इसको अलग से ही रखूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये चोली बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।